मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के सुखदेवपुर गांव के पास एक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीब दो दर्जन लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला सहित दो बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची जमुनापार पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो रावल रोड पे इनका एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर ट्राली जो ट्रैक्टर की है पलट गई थी, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनपे 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। तीनों को मोर्चरी भिजवा दिया गया था, उसमें एक महिला है, एक बच्चा है, एक बालिका, बाकी 9 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है।